नोएडा में सड़क किनारे हजारों आधार कार्ड मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस जांच में सभी आधार कार्ड असली हैं। अब पुलिस इनके एड्रेस वेरिफाइड करने पर जुटी हुई है। मामला शहर के सेक्टर 59 का है। वहीं जिस जगह पर ये आधार कार्ड मिले हैं उसके आसपास पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कोई भी शख्स आधार कार्ड फेंकता नहीं मिला है। सेक्टर 58 के सेक्टर 59 एरिया में एक कबाड़ी की दुकान के पास एक बोरे में काफ़ी संख्या में आधार कार्ड और कुछ फ़ोटोज़ मिले थे। इसकी सूचना थाना प्रभारी को मिली थी, उन्होंने तत्काल अपनी टीम भेजी, उसको हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया और उसकी जांच की गई है। इनफैक्ट ये लगभग 1127 आधार कार्ड हैं जो जिसपे एड्रेसेस लिखे हुए हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं। पुलिस एड्रेस वेरीफाई कर रही है। पुलिस उन शख्स तक पहुंच पाएगी या नहीं जिनके ये आधार कार्ड हैं, और जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता मनीष चौरसिया। नोएडा पुलिस को बड़ी संख्या में कूड़े से आधार कार्ड बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 59 में एक जगह पर कूड़े का ढेर था, जहाँ पर बहुत सारे आधार कार्ड एक बोरी में भरकर पड़े हुए थे। राहगीर वहां से निकल रहे थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। अभी इनकी संख्या 1127 के आसपास बताई जा रही है, मतलब 1000 से ज़्यादा ये आधार कार्ड हैं। ये आधार कार्ड किसके हैं अभी ये जानकारी नहीं है। हालांकि आधार कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके हिसाब से इनमें से अधिकतर आधार कार्ड हरियाणा ज़िले के बताए जा रहे हैं। उनकी संख्या लगभग 827 से ज़्यादा है। आधार कार्ड का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी जानकारी की जा रही है, और वहाँ से जानकारी ये मिली है कि ये आधार कार्ड उनके यहाँ से जारी नहीं किए गए हैं, मतलब ये वो आधार कार्ड हैं जो किसी की ओरिजिनल आईडी की फोटोकॉपी होती है, लेकिन ये भी ओरिजिनल कार्ड जैसे ही लगते हैं। फिलहाल इसके पीछे मकसद क्या था और आखिर क्यों इन आधार कार्ड को ऐसे कूड़े में फेंक कर लोग चले गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रोड्यूसर जैनेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।